मौसम विभाग की जानकारी और चेतावनी के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। चेतावनी को देखते हुए अलग अलग विभागों को भी तैयार रखा गया है। राहत एवं बचाव के लिए पहली बार ट्रेनिंग कर रहे उत्तर प्रदेश के SDRF टीम का भी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं नुकसान की भरपाई के लिए भी तैयारियां पूरी हैं। अलर्ट को लेकर हमारे संवाददाता शिवा तिवारी ने राहत आयुक्त संजय कुमार से बातचीत की। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अब सरकार ने व्यापक रूप से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहत आयुक्त संजय कुमार जी, उनसे बात करते हैं। संजय जी, जिस तरीके से चेतावनी जारी की गई है, काफ़ी बड़ा एरिया है यूपी का जो प्रभावित हो सकता है, किस तरह की तैयारियाँ सरकार की तरफ से हो रही हैं? मौसम विभाग ने जो अभी जो चेतावनी कल जो जारी की है उसके अनुसार मेरठ से लेकर मुरादाबाद से लेकर के ये पूर्वांचल गोरखपुर महाराजगंज ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर थंडरस्टॉर्म का सिचुएशन जो है वो आ सकता है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं और तूफान जो है एक हालांकि बहुत तीव्र गति का नहीं है जो अब तक बताया गया है, बट वो आ सकता है। तो एहतियातन हमने सारे कलेक्टर्स को, इन डिस्ट्रिक्ट्स के जितने कलेक्टर्स हैं उनको हम लोगों ने ईमेल के माध्यम से और उनको व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हैं उनके माध्यम से सारी सूचनाएं दे दी गई हैं और उनको कहा गया है कि विशेषकर वन विभाग है, बिजली विभाग है और SDMs और रेवेन्यू जो ऑफिशियल्स हैं उनको आप अलर्ट रखिए कि कहीं कोई हताहत होने की सूचना मिलती है या कहीं बड़े स्केल पर डैमेज होने की सूचना मिलती है या बिजली की समस्या अचानक बड़े स्केल पे आती है तो उसको मीट आउट करने के लिए आपकी पूरी टीम ग्राउंड पर रहे और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में गांव के लोग, गांव तक भी एक संदेश रहे कि अगर मान लिया कि रात्रि के समय कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे अभी दो दिन पहले जो घटना हुई, चूँकि सोने का वक्त था उस वजह से भी लोग अपने घरों में थे, काफ़ी डैमेजेस हुए, तो वैसे में लोग एहतियातन अपनी तैयारी पूरी रखे और वह सुरक्षित बाहर में खुले में वो अपने आप को स्थापित कर सके। अभी तो बिल्कुल चाहे वो नुकसान आर्थिक हो या फिर जान माल का हो, दोनों के लिए ही सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, लेकिन जिम्मेदारी खुद की भी बनती है कि ऐसे मौसम में, ऐसे चेतावनी के दौरान खुद भी अलर्ट रहें और देखते रहें कि किसी तरीके का नुकसान न होने पाए। कैमरामैन रोहित के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ।